अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं मौजूद हूं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मेरे साथ जी दो बड़े ही प्यारे से क्यूट से पोनी हॉर्स है और बड़े रेयर है, पाकिस्तान में बहुत नायाब नस्ल है और बड़ी ही कीमती नस्ल भी है। तो मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कुछ इनकी खसूसियात के बारे में और ये भी जानते हैं कि जो नॉर्मल घोड़े पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनसे ये कितने मुख्तलिफ हैं और इनकी केयर क्या उनसे ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये पोनी हॉर्स बाकी घोड़ों से मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ किस हवाले से? ये एक्चुअली मुख्तलिफ ब्रीड हैं, घोड़ों की बेशुमार किस्में हैं। जैसे आप हम देख रहे हैं, अगर आपका कैमरा वो घोड़ी दिखा सकते हैं तो 3 साल की कमाल की घोड़ी है, उसकी बिल्कुल एक अलग ब्रीड है जो कि तकरीबन 6-7 लाख की घोड़ी होगी। इसमें ये पोनी ब्रीड है, ये इम्पोर्ट होता है बाहर से, बेल्जियम से ख़ास तौर पर, और ये ठंडे ममालिक से आते हैं और ये ख़ास एक डिवेल्प ब्रीड है। इसकी ये अभी तो उसकी सफाई कर दी, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, मौसम गर्मी का आ रहा है तो उसको हमने उतार दिया, सर्दियों में इसके ऊपर लगे होते हैं। और फिर ये बड़े एक खूबसूरत और एक जैसे एक पेट है, लोग रखते हैं तो एक उस आर्ट ऑफ पेट में और पेट आर्ट में ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है। ये वो इसकी फीमेल है, ये मेल है, तो इनको बहुत केयर करते हैं गर्मियों सर्दियों में, इनके लिए इनको नहलाना करना, साफ़ सुथरा रखना, बाल काटना, और ये शौकर बहुत ही महंगी ब्रीड है। आपने कहा कि ये बड़े ठंडे इलाके से आए, तो पाकिस्तान में चूँकि मौसम गर्मी का शुरू, या इसमें हमें इनको ठंडे पानी में, फुहार में, उस चीज़ों में इनको रखेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी डिवेल्प ब्रीड है, ये उससे ये बेहतर है। इसमें कुछ ऐसी ब्रीड है जो यहाँ पर नहीं चल सकती, तो ये है, ये यहाँ पे चल सकती है ये ब्रीड। इनकी केयर बाकी के घोड़ों से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनकी, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। फिर हमारे इन मेडिसिन, इनकी ट्रीटमेंट, ज़रा सा भी हो, इनको जुकाम ना हो जाए, इनको फ्लू ना हो जाए, और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हमें इसकी बहुत देखभाल करना पड़ती है। तो खाने की क्या रूटीन है? एक तो स्पेशल फीड होती है, एक तो आम पट्टे हैं जैसे घोड़े खाते हैं, घास वगैरह सिलेक्टेड सी, फिर हमारी आप एक फीड तैयार की जाती है मुख्तलिफ, उसके एक प्रोटीन लेवल उसका क्या है, उसमें विटामिन कितनी है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें एक्सीपिएंट्स कितने हैं, उन सब को करके इसकी फीड इसकी नेसेसिटी के मुताबिक करते हैं। इनके ब्लड टेस्ट वगैरह हम करते रहते हैं लेबॉरेटरी में। इसकी इस वक्त उम्र कितनी है? ये है वो तकरीबन 4-5 साल का होगा ये। और इसकी हाइट कितनी? ये इसकी हाइट हम दो तरह से नापते हैं, किस लेंथ में नापी जाती है, एक इस तरह से हाइट भी नापी, इस तरह हाइट में ये तकरीबन 2.5 से 3 फुट होता है, 3.5 फुट, 3 फुट के अराउंड अबाउट इसकी हाइट होती है। तो ये इतना ही रहता है? इतना ही रहता है, ये तो इसकी फुल ग्रोथ है। और वो इसकी आप फीमेल देखें, दैट इज़ प्रेग्नेंट, अभी इनका अभी पहले उन्होंने एक बच्चा दिया था, वो हमें एक दोस्त को गिफ्ट कर दिया, वो ले गए थे यहाँ से हमारे पास। तो ये रिफा यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा ये पोनी हॉर्स लाए गए हैं? पहली दफ़ा किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में, इट्स फर्स्ट टाइम कि हमने पोनी हॉर्सेज मंगाए हैं। और ख़ास तौर पर हमारे पास ये राइडिंग हॉर्सेज भी हैं, जिनसे थोड़ी देर बाद अगर आपका मूड हुआ तो आपको हॉर्स राइडिंग भी करवाएंगे यहाँ पर। सर पाकिस्तान में ये आम घरों में लोगों ने इसको रखा हुआ है या बहुत रेयर? बहुत रेयर है। मेरे अपने ज़ाती फार्म हाउस पे को 5 हैं और इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियंस उनके पास हैं, तो बहुत कम लोगों के पास हैं, जिनमें जरदारी साहब के पास मैंने देखे थे उसे एक दफ़ा, उनके वो बहुत अच्छी एक बहुत, वो भी एक डिवेल्प ब्रीड है उनके पास भी। सर कोई ख़ास खसूसियत जो लोग इसको रखना चाहते हैं इसकी केयर के हवाले? कोई भी चीज़ आप रखना चाहें, घर में मुर्गी भी रखना चाहें तो उसकी केयर के एक स्पेशल होता है, टेम्परेचर का ख्याल रखना, इसको नहलाना, इसकी तबीयत का ख्याल रखना, इस सारी चीज़ों को, उसकी फूड का ख्याल रखना, पानी किस वक्त देना है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सफाई का ख्याल रखना खास तौर पर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बड़ी क्यूट पोनी हॉर्सेज हैं और पाकिस्तान में बहुत ही रेयर है, और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने पोनी हॉर्स अपनी यूनिवर्सिटी में मुतारिफ करवाए हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरुसा खान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।